फ्लेवर कोस्टर। मैं हूँ गीता। ढोकले तो हम बहुत ही बनाते हैं, अलग अलग चीज़ों के, दाल के बनाते हैं, चावल के बनाते हैं, बेसन के बनाते हैं। आज हम ढोकला बनाएंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर ब्रेड से। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये मेरी मासी की रेसिपी है, तो बहुत सालों से बनाते आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आज ज़रूर ये आपके साथ शेयर करूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं फिर बनाना। इसके लिए मैंने ये अराउंड 4 to 5 टेबल स्पून जितना दही ले लिया है, हाफ कप जितना हो जाता है ये। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हल्दी, जस्ट फॉर कलर, अराउंड 1/4 टीस्पून जितना, और सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। इसको हम थोड़ा सा विस्क कर देंगे। बेसिकली हमें एक छाछ जैसा बनाना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं अराउंड 1 कप जितना पानी डाल देती हूँ। बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत थिक भी नहीं करना, क्योंकि हमें जो ब्रेड है इसमें डिप करनी है, थोड़ी सोक होनी चाहिए। ये मेरे पास वड़ा पाव की जो पाव है 3 बज गई है। इसको मैं क्या करूँगी, आधा काट दूँगी। आप उसको आधे में भी बना सकते हैं और 4 पीसेस में भी बना सकते हैं। जैसे आपको बड़े पीस पसंद हो तो बड़े रखिए, छोटे पसंद हो तो ये बड़े होंगे तो इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। तो मैं इसके 4 पीसेस कर देती हूँ ऐसे, तो सभी तीनों ब्रेड के हम 4 पीसेस कर लेंगे। ये हमारे हो गए हैं सब पीसेस। अब हम क्या करेंगे, कोई भी हमें बड़ी थाली लेनी है और उसमें वो जो हमने छाछ बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे, और ये जो ब्रेड है उसको हम ऐसे इसके अंदर सब सोक कर लेंगे। 5 मिनट में ये पूरा ड्राई हो जाएगा, पूरा सोक लेगा ये छाछ। बस ऐसे डालना है, और 2 मिनट के बाद उसको टर्न कर लेना है। इस साइड से सोक कर लिया तो हम पीछे की तरफ से भी उसको कर देंगे, क्योंकि छाछ अंदर जली जाएगी इसके ब्रेड के, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, फिर आपको ढोकले जैसा टेस्ट आएगा। ज़्यादा नहीं रखना है, और ब्रेड एकदम फ्रेश वाली नहीं होनी चाहिए, एक दिन पुरानी होती होगी तो ज़्यादा अच्छी होगी। हो गया, अब हम बना लेते हैं। इसे हम तवे पर ही बनाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, इसको तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल पूरा सब जगह स्प्रेड किया हुआ होना चाहिए। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हमें इसमें डालना है राई। राई हम क्या करेंगे, पूरे जो हमारे जो तवा है उस पर पूरे स्प्लेटर पूरे धीरे धीरे सब जगह पे डालेंगे ऐसे। एक ही जगह पे हमें राई नहीं डालनी है, ये थोड़ी उड़ती है, आपको ध्यान रखना है इसका। ऐसे थोड़ी थोड़ी सब जगह पे डालनी है, क्योंकि इसलिए हमने उसको जो ऑयल को फैला दिया था। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च छोटी छोटी कटी हुई, टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं जितनी आपको चाहिए, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ये भी पूरा फैला हुआ। अब क्या करेंगे, वो जो ब्रेड के हमने भिगा के रखे थे सोक किए हुए, वो हम इससे धीरे धीरे करके सब डाल देंगे। स्लो फ्लेम होना चाहिए, हाई फ्लेम नहीं चाहिए। जितने आ सके, एक टाइम में जितने आ सकते हैं उतने आप डाल दीजिए। टर्न करके देख लेते हैं, ये देखिए एक साइड हो गया। अब दूसरी साइड भी ऐसे ही कुक कर लेंगे। एक साइड हो गया है, दूसरी साइड के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि अच्छा क्रिस्पी हो जाए, और उसे भी स्लो फ्लेम पे पका लेंगे इस साइड पे। दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं, ये भी हो गया है। बस अब दोनों साइड हो गया, थोड़ा क्रिस्प होने दीजिए और फिर आप निकाल लीजिए। इसी तरह जो बाकी है वो भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बैटर आप बना रहे हो जो सोक करने के लिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्रेड आपकी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, फिर वो क्रिस्प नहीं बनेगी। ये हमारे ब्रेड ढोकला रेडी है। इसको हम गार्निश करेंगे थोड़ा सा सेव से, ऐसे ढोकले के साथ सेव तो चलती है। इसी ऊपर से सेव और थोड़ा हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स थोड़ा सा। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आप चटनी के साथ नहीं खाना चाहते, लेकिन हम उसको हरी चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। ये वही चटनी है जो हमने पोंख वड़े बनाए थे विदाउट पोंख के,
कि वो उसके साथ जो मैंने चटनी बनाई थी वो उसके साथ बैठ जाती है। तो आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लीजिए। ये लेफ्ट ओवर ब्रेड का बेस्ट ऑप्शन है, आप उसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और स्टेप्स ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंजॉय।